जनरल कोच में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो जनरल कोच में यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 46 लंबी दूरी की ट्रेनों में 92 नए जनरल कोच जोड़ने का फैसला किया है। इस कदम से जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब आसानी से टिकट मिल सकेगा और उनकी यात्रा अधिक आरामदायक होगी। इस पहल का उद्देश्य जनरल क्लास के यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और सुलभ यात्रा विकल्प प्रदान करना है। इससे यात्रियों को काफी फायदा होगा, जिससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक और कम भीड़भाड़ वाली होगी। अब यात्री किसी भी स्थान से जनरल टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इसमें 22 और ट्रेनों में कोच क्षमता को बढ़ाने की योजना है, जिसमें अतिरिक्त जनरल कोच शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह निर्णय किफायती यात्रा विकल्पों की बढ़ती मांग के जवाब में लिया गया है और इसका उद्देश्य आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए यात्रा अनुभव को आसान बनाना है। इन नए कोचों के आने से यात्रियों को काफी फायदा होगा, जिससे उनकी यात्रा अधिक आरामदायक और कम भीड़भाड़ वाली होगी। इन ट्रेनों में नए कोच शामिल किए जाएंगे 15634 गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस, 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, 15631 गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस, 15632 गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस, 15630 नागामव एक्सप्रेस, 15629 सिलघाट टाउन ताम्बरम नागामव एक्सप्रेस, 15647 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस गुवाहाटी एक्सप्रेस, 15648 गुवाहाटी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, 15651 जम्मू तवी गुवाहाटी लोहित एक्सप्रेस, 15652 गुवाहाटी जम्मू तवी लोहित एक्सप्रेस, 15653 गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस, 15654 जम्मू तवी गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस, 15636 गुवाहाटी ओखा द्वारका एक्सप्रेस, 15635 ओखा गुवाहाटी द्वारका एक्सप्रेस, 12510 गुवाहाटी बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12509 बेंगलुरु गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 15909 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस, 20415 वाराणसी इंदौर काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20416 इंदौर वाराणसी काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20413 इंदौर वाराणसी काशी महाकाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20414 काशी महाकाल वाराणसी इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 13351 धनबाद अलापुझा एक्सप्रेस, 13352 अलापुझा धनबाद एक्सप्रेस, 14119 काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, 14120 देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, 12976 जयपुर मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12975 मैसूरु जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 17421 तिरुपति कोल्लम एक्सप्रेस, 17422 कोल्लम तिरुपति एक्सप्रेस, 12703 हावड़ा सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, 12704 सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस, 12253 बेंगलुरु भागलपुर अंग एक्सप्रेस, 12254 भागलपुर बेंगलुरु अंग एक्सप्रेस, 16527 यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस, 16528 कन्नूर यशवंतपुर एक्सप्रेस, 16209 अजमेर मैसूर एक्सप्रेस, 16210 मैसूरु अजमेर एक्सप्रेस, 16236 मैसूर तूतीकोरिन एक्सप्रेस, 16235 तूतीकोरिन मैसूरु एक्सप्रेस, 16507 जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस, 16508 बेंगलुरु जोधपुर एक्सप्रेस, 20653 केएसआर बेंगलुरु सिटी बेलगावी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20654 बेलगावी केएसआर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 17311 चेन्नई सेंट्रल हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस,
17312 हुबली चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 16559 बेंगलुरु सिटी चेन्नम्मा रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस, 16590 चेन्नम्मा बेंगलुरु सिटी रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस, 09817 कोटा जंक्शन दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 09818 दानापुर कोटा जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 19813 कोटा सिरसा एक्सप्रेस, 19814 सिरसा कोटा एक्सप्रेस, 12972 भावनगर टर्मिनस बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12971 बांद्रा टर्मिनस भावनगर टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 19217 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, 19218 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, 22956 मुंबई बांद्रा भुज कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 22955 भुज मुंबई बांद्रा कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20908 भुज दादर सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 20907 दादर भुज सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 11301 मुंबई बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस, 11302 बेंगलुरु मुंबई उद्यान एक्सप्रेस, 12111 मुंबई अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12112 अमरावती मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12139 मुंबई नागपुर सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12140 नागपुर मुंबई सेवाग्राम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इन नए कोचों को जोड़ने के साथ भारतीय रेलवे का लक्ष्य है भीड़ भाड़ को कम करना और जनरल के यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करना है। यह विस्तार भारतीय रेलवे की अपनी सेवाओं में लगातार सुधार करने और अपने विविध यात्री आधार की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही ताज़ा खबरें। धन्यवाद।